भारत की धरती पर जन्मा एक ऐसा वीर जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े हुक्मरानों की सल्तनतें कांप उठती, एक ऐसा करारा योद्धा जिसकी सत्ता ने हिंदुस्तान से मुगल हुकूमत का नामो निशान मिटा दिया। संपूर्ण भारत पर हिंदू हुकूमत जमाने वाले अटक से कटक तक की धरती पर जिसके नाम का भगवा लहराता था, उस वीर का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। तो आइए जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के अनसुने सच्चे इतिहास को। उम्मीद है आपने इस वीडियो को लाइक जरूर किया होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी सन 1630 को महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में हुआ। यह वो वक्त था जब दिल्ली सहित लगभग आधे भारत पर मुगलों के कट्टर सुल्तान औरंगजेब की हुकूमत थी और दक्षिण भारत पर आदिल शाह और कुतुब शाह जैसे सुल्तानों ने कब्जा जमा रखा था। इस वक्त तक भारत में एक भी स्वतंत्र हिंदू राज्य नहीं बचा। देश धर्म मंदिर हिंदू और गायों को खतरे में देख मात्र 15 साल की उम्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने संपूर्ण भारत पर हिंदू हुकूमत जमाने की प्रतिज्ञा ली और इसी उद्देश्य से शिवाजी महाराज निकल पड़े अपनी सेना बनाने। पर 15 साल के बालक का साथ भला कौन देता, इसलिए उन्होंने अपने दोस्तों को अपने साथ लिया और बीजापुर की मुस्लिम सल्तनत पर धावा बोल दिया। मात्र 16 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर तोरणा के किले को विजयी कर लिया। इस किले से शिवाजी महाराज को बहुत बड़ा खजाना हाथ लगा। इस खजाने से महाराज ने अपनी एक सेना बनाई और इसी सेना के बल पर शिवाजी महाराज ने अगले 2 वर्षों में पुरंदर, कोंडाणा, चाकन और राजगढ़ जैसे विशाल किलों पर अपनी हुकूमत कायम कर दी। धीरे धीरे महाराज ने अपनी हुकूमत का विस्तार किया और अपनी सेना के साथ कोंकण पर चढ़ाई की। मुगल इलाकों पर पहली बार कोई हिंदू राजा तलवार लेकर आया था। मराठा सेना ने मुस्लिम सूबेदारों को मारकर कोंकण, कल्याण जैसे नगरों पर भगवा ध्वज तान दिया। 40 किले, 9 सामंत और 60,000 सेना के सरदार शिवाजी महाराज ने बीजापुर की सल्तनत पर धावे बोल बोल कर उसे पूरा खोखला कर दिया। अपनी सल्तनत खत्म होते देख बीजापुर का सुल्तान अली आदिल शाह कांप गया। उसने अपने सेनापति अफजल खान को एक बड़ी सेना देकर शिवाजी महाराज के इलाके में भेजा। शिवाजी महाराज इस समय प्रतापगढ़ किले में थे। ईस्वी सन 1659 को अफजल खान अपने विशाल लश्कर के साथ सीधे प्रतापगढ़ की तरफ निकल पड़ा। हिंदू, गौ, स्त्री, बच्चे और ब्राह्मणों का कत्लेआम करते हुए उसका लश्कर मैदान में उतरा। हाथी सरी के अफजल खान के इरादे महाराज को धोखे से मारने के थे, इसी वजह से उसने महाराज के समक्ष एक संधि प्रस्ताव रखा। अगले दिन महाराज की अफजल खान से मुलाकात हुई। गले मिलने के बहाने लंबे चौड़े अफजल खान ने शिवाजी महाराज को दबोच लिया और उनकी पीठ में खंजर से वार किया, परंतु कपड़े के नीचे लोहे का कवच पहने शिवाजी महाराज ने अपना बाघ नख निकालकर अफजल खान को वहीं के वहीं चीर डाला। अफजल खान के मरते ही उसकी तमाम सेनाएं हवा की रफ्तार से भाग निकली, परंतु महाराज पर हमले से नाराज मराठे भागती हुई आदिलशाही सेना से भिड़ गए और गुस्से से लबरेज भगवी तलवारों ने 8,000 दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काट डाला। अफजल खान द्वारा मंदिरों के विध्वंस का गुस्सा शिवाजी महाराज ने बीजापुर की सल्तनत पर उतारा। ईस्वी सन 1660 तक शिवाजी महाराज ने बीजापुर के चौथाई हिस्से पर कब्जा कर लिया। सल्तनत के किले ध्वस्त हो गए, जागीरें लुट गई और सल्तनती सेनाएं लड़ लड़ कर बर्बाद हो गई। दक्कन की सल्तनत को रक्त से नहलाकर महाराज ने अपनी सेनाओं को कोल्हापुर की तरफ कूच करने का आदेश दिया। मराठों की गरजती हुई सेना दक्कन के खुले मैदान में उतरी और पनहाला सहित एक एक कर दक्कन के 17 किलों को विजयी कर लिया। ईस्वी सन 1660 की रात आदिल शाह को उसके गुप्तचरों ने सूचना दी
कि शिवाजी महाराज पन्हाला किले में है और इस समय उनके पास मात्र 600 सैनिक है। मौके का फायदा उठाकर आदिल शाह ने सिद्दी जौहर को 10,000 की सेना के साथ पन्हाला भेजा। मध्य रात्रि तक सिद्दी जौहर ने पन्हाला किले को घेर लिया। उसकी सेनाएं किले के चारों तरफ फैल गई। ऐसी विकट स्थिति में महाराज ने बड़ी चतुराई से काम लिया। उन्होंने कई दिनों तक दुश्मन सेना का अनाज खत्म होने का इंतजार किया और 13 जुलाई की रात थकी हुई दुश्मन सेना को चकमा देकर महाराज सभी मावलों को लेकर पन्हाला किले से निकल गए। भनक लगते ही दुश्मन सेना महाराज के पीछे निकल पड़ी। महाराज 300 मावलों के साथ आगे बढ़ चुके थे और इधर बाजी प्रभु देश पांडे के नेतृत्व में बाकी बचे मात्र 300 मावले 10,000 दुश्मनों से भिड़ गए। ये युद्ध आज तक के इतिहास का सबसे भयानक युद्ध सिद्ध हुआ। मात्र 300 मावले पूरी रात शत्रुओं से लड़ते रहे। सुबह तक उन्होंने 5,000 से अधिक दुश्मनों को मार डाला। बीजापुर की सल्तनत को तबाह करने के बाद शिवाजी महाराज ने मुगल इलाकों पर चढ़ाई करना आरंभ किया। ईस्वी सन 1657 को शिवाजी महाराज ने अहमदनगर के मुगल थानों पर धावा बोला और एक एक कर इस इलाके की तमाम मुगल चौकियों को तबाह कर डाला। जजिया कर गोहत्या पर विराम लगाते हुए शिवाजी महाराज अपनी सेनाओं के साथ आगे बढ़ते गए और जुन्नार के मुगल ठिकाने पर चढ़ाई कर दी। परंतु यह बात औरंगजेब बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने शिवाजी महाराज को काबू में लाने के लिए अपने मामा शाइस्ता खान के नेतृत्व में 150,000 मुगल सैनिकों का लश्कर महाराष्ट्र की तरफ भेजा। जनवरी सन 1660 की रात शाइस्ता खां भारी लाव लश्कर के साथ पुणे पहुंचा और पूरे नगर को अपने कब्जे में ले लिया। सुबह शाइस्ता खां पुणे के हिंदुओं, गायों और मंदिरों पर अपना गुस्सा उतारता और रात को पुणे के लाल महल में चला जाता। 3 महीनों तक यही चलता रहा, पर 5 अप्रैल सन 1663 की आधी रात को शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान पर हमले की योजना बनाई और मात्र 400 मराठों के साथ पुणे की ओर निकल पड़े। मराठे वेश बदलकर किले में प्रवेश कर गए। शाइस्ता खान की रूह कांप गई जब उसने मौत रूपी शिवाजी महाराज को अपने सामने देखा। घबराया हुआ शाइस्ता खां किले से नीचे कूद गया। वो तो बचकर भाग निकला, पर महाराज की तलवार ने उसकी 3 अंगुलियां काट डाली। अचानक हुए इस हमले से मुगल खेमे में भगदड़ मच गई। इस भगदड़ का फायदा उठाकर सभी मराठे पुणे से वापस लौट आए। ईस्वी सन 1664 को छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के सबसे अमीर शहर सूरत पर चढ़ाई कर दी। मराठों ने सूरत के पूरे मुगल व्यापार को चौपट कर दिया और मुगलों की बेशुमार दौलत को अपने कब्जे में ले लिया। इस घटना से औरंगजेब का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अपनी सल्तनत के अपमान का बदला लेने के लिए औरंगजेब ने तुरंत आमेर के राजा जयसिंह को एक बड़ी सेना के साथ शिवाजी महाराज के राज्य में उतारा। ईस्वी सन 1665 को जयसिंह ने 1,00,000 सैनिकों के साथ शिवाजी महाराज को पुरंदर के किले में घेर लिया और महाराज से एक समझौता किया, जिसके तहत महाराज को हिंदवी स्वराज के 23 किले मुगलों के हवाले करने पड़े। परंतु ईस्वी सन 1670 में मुगलों पर कहर बनकर टूटे शिवाजी राजे ने किलों पर तैनात मुगलों को मार मार कर लाशों के अंबार लगा दिए। मात्र 4 महीनों में उन्होंने एक एक कर अपने सभी किलों पर भगवा ध्वज लहरा दिया। 6 जून सन 1674 को शिवाजी महाराज का वैदिक मंत्रों के साथ राज्याभिषेक हुआ। अपने राज तिलक के तुरंत बाद हैदराबाद रियासत पर चढ़ाई कर दी। उनकी सेनाएं दक्कन के पर्वतों से उतरी और पोंडा, कारवार, कोल्हापुर और जंजीरा के किलों को हुकूमत के नीचे ले आई। छत्रपति शिवाजी ने कर्नाटक से होते हुए वेल्लोर, गिंगी, मैसूर और तमिलनाडु तक के इलाकों पर विजय प्राप्त की। ईस्वी सन 1680 में मात्र 50 साल की आयु में हनुमान जयंती के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। ऐसे वीर सपूतों से जुड़े इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। आपका आभार।
दोस्तों आपके लिए बहुत बढ़िया गिव अवे है। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से कैश करो ऐप डाउनलोड करके अपना अकाउंट बनाइए और मेरा कूपन कोड DEM25 यूज करने से आपको 25 रुपए तुरंत मिलेंगे। और तो और इफ यू मेक ए परचेज ऑन एनी वेबसाइट लिस्टेड ऑन कैश करो देन आप में से कोई एक लकी विनर को मिलेगा ब्लूटूथ स्पीकर और 5 लकी विनर को मिलेगा 500 रुपए का अमेजोन वाउचर। तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डाउनलोड कीजिए कैश करो ऐप। आपका आभार, धन्यवाद, जुड़े रहिए।